हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपका ईमेल आईडी किस किस मोबाइल में किस किस डिवाइस में लॉगिन है। दोस्तों, आप बिल्कुल ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी या आपका जीमेल आईडी किसी और भी डिवाइस में लॉगिन तो नहीं है। जैसे कि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा ईमेल आईडी हम जो है अपने मोबाइल में भी लॉगिन करके रखते हैं, कई बार दोस्तों हम किसी और डिवाइस में लॉगिन करके भूल जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारा ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे ईमेल आईडी पे कोई भी मैसेज आता है या कोई भी ओटीपी आता है तो वो ओटीपी हमारे पास भी आता है और दूसरे भी डिवाइस में जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सिंपल आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। सिंपल आपको जो है अपने मोबाइल का सेटिंग्स ओपन कर लेना है, सभी के मोबाइल में सेटिंग्स होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपके मोबाइल में जो भी सेटिंग्स होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। आपको सिंपल जो है यहाँ से गूगल वाला ऑप्शन खोज लेना है, गूगल वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको वो ईमेल आईडी ले लेना है जिस ईमेल आईडी का पता लगाना है कि आपका ईमेल आईडी किस किस मोबाइल में लॉगिन है। जैसे कि दोस्तों, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो सबसे ऊपर दिख जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी दूसरे ईमेल आईडी का पता लगाना है कि वो हमारा ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो दोस्तों सिंपल राइट हैंड साइड में एक तीर का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो दिख जाएगा। अगर दोस्तों आपका ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं मिलता है तो सिंपल ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके सबसे पहले वो ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों, हमें जो है अपने इस ईमेल आईडी का पता लगाना है कि ये ईमेल आईडी कहाँ कहाँ किस किस डिवाइस में लॉगिन है, तो सिंपल इसमें जो है एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट का, तो इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी खुल करके आ जाएगा। अब सिंपल इसे क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रॉल करना है। इसे राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सिंपल इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसे नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा योर डिवाइस का, यहाँ पे योर डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद नीचे जो है एक मैनेज ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है खुल करके आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे एक वीवो V2141 ये डिवाइस में लॉगिन है। तो दोस्तों, ये डिवाइस हमारा खुद का है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ईमेल आईडी है सिर्फ हमारे मोबाइल में लॉगिन है और किसी भी जगह लॉगिन नहीं है। अगर आपका जीमेल आईडी या आपका ईमेल आईडी किसी और भी डिवाइस में लॉगिन होगा तो सिंपल आपको जो है वो डिवाइस दिखने लगेगा। जितना भी डिवाइस में लॉगिन होगा, 1, 2, 3, 4 जो भी डिवाइस में लॉगिन होगा वो यहाँ पे डिवाइस आ जाएगा, उसका नाम भी दिखेगा कि किस किस डिवाइस में लॉगिन है आपका जीमेल आईडी। तो दोस्तों, इस तरह जो है आप बिल्कुल ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी जो है किस किस डिवाइस में लॉगिन है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप अपना ईमेल आईडी किसी भी डिवाइस से हटाना, किसी भी डिवाइस से जो है रिमूव करना, तो उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। दोस्तों, आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से किसी भी ईमेल आईडी को किसी भी मोबाइल से आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका ईमेल आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू हेल्पफुल वीडियो के साथ।